हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लवली किट टू द शो ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। और क्योंकि मौसम बहुत अच्छा होने लगा है, थोड़ी हल्की धूप है, ठंड है और कहीं कहीं तो धूप निकलती नहीं। कानपुर में तो कल बिल्कुल धूप ही नहीं निकली थी और अब काफ़ी ठंड होने लग गई है। कल बादल हो गया था तो इसकी वजह से और ज़्यादा सर्दी हो गई है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने तो स्वेटर पहनने लग गई हूँ, तो समझो वाकई में सर्दी आ गई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और मेरे घर में इसीलिए झगड़ा होता रहता है मेरा मेरे हस्बैंड का, मतलब पता नहीं इसको कितनी सर्दी लगती है। वाकई मुझे बहुत सर्दी लगती है, मेरे बच्चों को नहीं लगती, हस्बैंड को नहीं लगती, सबसे ज़्यादा मुझे लगती है। तो हाँ, ये लगती है तो लगती है, अपना अपना बॉडी का है। तो इसलिए और कल का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, जो मैं आपको बताऊंगी क्यों है। हर इंसान के लाइफ में दो स्पेशल दिन होते हैं, जो कि आपको पता है, एक तो उसका खुद का जन्मदिन और एक एनिवर्सरी। तो मेरी दोनों में से क्या हो सकती है, मैं आपको बताती हूँ। मेरी है कल एनिवर्सरी 29 नवंबर की, तो इसलिए मुझे कुछ गिफ्ट लेना है। वैसे हमेशा मेरे हस्बैंड मेरे लिए गिफ्ट ले आते थे और सरप्राइज देते थे मुझे हमेशा ही। और इस बार अगर वो यहाँ पे नहीं होते मेरे साथ तो भी मुझे सरप्राइज देते हैं, और बाहर होते हैं तो कभी बुके भेज देते हैं या कोई गिफ्ट। मैं जब कभी उम्मीद ही नहीं करती हूँ सच में मेरे लिए आ सकता है, मतलब बाहर होते हैं तो ऐसा लगता है कौन भेज रहा है, चलो छोड़ो। और उस दिन मैं तैयार भी नहीं होती, पिछली एनिवर्सरी तो ऐसे सरप्राइज दिया था, मैं सो रही थी और मतलब कोरियर वाला आ गया कि सुषमा सिंह का गिफ्ट है। तो मैंने कहा मेरा क्या है, मतलब पार्सल मेरा तो कुछ मैंने मंगाया नहीं, मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया। तो मैंने कहा देखा जाके तो वाकई में मुगे था, चॉकलेट्स थी, तो इतना मतलब खुश हो गई थी। और इस बात मैंने उनको मना ही कर दिया, मैंने कहा बुगे वगैरह बहुत महंगा पड़ता था, मैंने कहा आप मेरे लिए बुगे नहीं भेजना। और इस बार है मेरी बारी, क्योंकि मेरी शादी 15 साल हो जाएंगे 29 नवंबर को। तो मैंने कभी उनको गिफ्ट दिया नहीं, मतलब दिया है ऐसा दिया है, कभी पेन दिया है, कभी जैकेट दिया है, स्वेटर दिया है, तो ये सब दिया है मैंने। सर्दियों में होता है तो सर्दियों के हिसाब से दे देती थी, और मैं अपने बजट में, क्योंकि अपने पॉकेट मनी से जो घर खर्च मिलता था उसमें से मैं बचा लेती थी, दूध सब्जी जो ऑलमोस्ट सभी लेडीज बचाती हैं वो मैं भी बचाती थी, तो उसी में से मैं सबको दे उनको गिफ्ट दे देती थी। मतलब 2000-3000 तक का, जब मेरी 3000 लिमिट थी, 3000-3500 तक लिमिट थी, इससे ज़्यादा मैं नहीं दिलवा पाती थी उनको, क्योंकि मेरे पास इससे ज़्यादा जुड़ता ही नहीं था, क्योंकि बच्चों का हो गया, मेरा खुद का हो गया, लेडी भी सब बचा के अपना भी लेती हैं, तो मेरा भी हो जाता था और भी घर में भी लग जाता था, और कुछ एक्स्ट्रा रखने भी पड़ते थे क्योंकि ये साथ में रहते नहीं हैं, तो कब क्या ज़रूरत पड़ जाए तो मुझे भी रखने पड़ते थे। और इसलिए इस बार मैंने सोचा है, क्योंकि इस बार तो मैं वीडियो बनाती हूँ, यूट्यूब पे हूँ, तो इस बार मैंने यूट्यूब की वजह से मेरे हस्बैंड को इतना सोचा है कि मतलब कुछ ऐसा गिफ्ट दूँ कि शायद उन्होंने लाइफ में कभी उम्मीद नहीं की होगी कि मतलब सुषमा भी मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दे सकती है। तो इसलिए मैंने अभी तक उनको बताया नहीं है, और उसके लिए कल तो है ही एनिवर्सरी, और कल वो आएंगे भी नहीं मेरे पास, मतलब एनिवर्सरी है फिर भी नहीं आ रहे हैं मेरे पास, पर फिर भी मैं उनके लिए गिफ्ट तो आज ही लेके आऊँगी। भले ही एनिवर्सरी मेरी कल है और नहीं आ रही है तो भी मैं गिफ्ट तो लेके ही आऊँगी, तो इसलिए आज मैं जाऊँगी गिफ्ट लेने के लिए। पर देखती हूँ क्या लेके आती हूँ, कुछ भी लेके आऊँ पर अच्छा लेके आऊँगी। और उनको तो मैंने खैर मना ही कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे पास, उन्होंने सब कुछ खरीद दिया, वॉच, नेकलेस वगैरह, और क्या मंगल, मुझे सबसे ज़्यादा मुझे सभी लेडीज को होगा पर मैं अपना बताती हूँ, मतलब ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा मुझे क्या पसंद है। एक तो मुझे रिंग पसंद है, मतलब इस वाली फिंगर में हमेशा पहनने के लिए, कॉलेज स्कूल कॉलेज लाइफ से, स्कूल लाइफ से मुझे पसंद है कि मतलब इस वाली फिंगर में कि मैं रिंग पहनूँ, मुझे बहुत पसंद है तो मैं पहनती हूँ, वो मेरा शौक पूरा हो गया। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मंगलसूत्र, मुझे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, पायल अच्छी नहीं लगती, कमर कंधनी अच्छी नहीं लगती है, ईयर रिंग हो चाहे ना हो, छोटे छोटे हो कोई बात नहीं है, सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है मंगलसूत्र। तो मेरे पास मंगलसूत्र ऑलरेडी, उन्होंने मुझे 3 मंगलसूत्र गिफ्ट कर रखे हैं उन्होंने, मतलब ये नहीं मेरे पास मंगलसूत्र, मैं हमेशा कहती हूँ मेरे पास मंगलसूत्र नहीं, बोले वो पीछे से साल दिया था, अरे नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो फिर वो मुझे ले देते हैं। तो मेरे पास अभी परफेक्ट टाइम में मेरे पास 3 मंगलसूत्र है, और एक ये मैंने बनवा लिया था अपना, जो मेरी पिछले महीने इनकम आई थी तो उसे मैंने अपना बनवा लिया था, तो अब मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मतलब पहनने के लिए। और पर
वो मैं दिलवाऊंगी, तो मैं आज जाऊंगी मार्केट और आप भी चलना देखना क्या मैं दिलवाती हूँ, क्या वाकई में अच्छा लगा है कि जो मैंने गिफ्ट उनके लिए खरीदी। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे साथ रहिएगा और वीडियो में बने रहिए। जैसे जो ये कर रही है YouTube से जो कमाई हुई है उससे अपने हस्बैंड को गिफ्ट दे रही हूँ। YouTube में इतनी कमाई हो रही है, क्या करते हैं अभी? मेरा चैनल बनाती है, इनका चैनल है खुद का। तो मैंने ये वाला खरीदा अपने हस्बैंड के लिए और एक ये मैंने ले लिया अपने लिए। वेरी गुड है यार। हाँ, आप लोग भी YouTube में नहीं हो पाए जो आज से थोड़े दिन पहले जो लोग कनेक्ट हो गए ना, आज से 5-10 साल। तो ये वाला है, आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा है। तो गाइज मैंने वहाँ पे दुकान पे नहीं दिखा पाई थी, ये देखिए ये वाला चैन लिया है मैंने। गोल्ड चैन है ये, बस आप लोग समझ ही गए होंगे क्योंकि मैंने वहाँ पे उनके शॉप पे दिखाई था। तो ये वाला मैंने चैन लिया मेरे हस्बैंड के लिए एनिवर्सरी गिफ्ट। इतना कॉस्टली पहली बार दे रही हूँ मैं, और वो है अभी, मैं उनको पहनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी, उनका रिएक्शन दिखाऊंगी। अभी यहाँ पे नहीं, उस रूम में, देखना कैसे बोलते हैं, कभी तारीफ नहीं करते मेरी। और ये वाला मैंने अपने आप को ही गिफ्ट दे लिया था, मुझे दिया नहीं उन्होंने गिफ्ट, तो मैंने ये वाला अपने आप ही, ये तो बिल है सारे इन्हीं के। तो देखिए ये वाला, ये देखिए, ये वाला मैंने अपने आप को गिफ्ट दिया है नहीं से। और इसका मैंने इयर रिंग नहीं लिया था क्योंकि इयर रिंग इसके मैच का मेरे पास पहले से ही था। तो ये वाला मेरा है, और ये दोनों चीज लेने के बाद मुझे थोड़ा और लालच आ गया था, तो मैंने इसके बाद भी ऐसे लगा कि थोड़ा पैसे बच गए थे मेरे पास और, तो मैंने एक ये रिंग और ले ली थी। ये वाली मैंने रिंग ली थी जो कि मैंने बाद में अपने हस्बैंड को दिखाई तो उनको पसंद नहीं आई, बाकी मुझे अच्छी लगी थी। ये देखिए मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, मुझे इस वाली फिंगर के लिए चाहिए थी तो मुझे अच्छी लगी थी, पर यहाँ पे आके उन्होंने बोला नहीं ये हल्की है, छोटी लग रही है, तो कहते दूसरी ले आना। तो ये मैं कल जाऊँगी लेने के लिए, इसको चेंज करवाने के लिए, और अब लेके आऊँगी मैं जोधा चैन जो चली हुई है जो आपको पता है, तो वो लेके आऊँगी इसको चेंज करके। और वैसे मुझे अच्छी लग रही थी, इनको पसंद नहीं है तो मैं नहीं रखूँगी इसको, मैं वापस करके आऊँगी। तो इसको तो मैं, ये रिटर्न जाएगी तो इसको तो मैं अलग रख देती हूँ, और ये तो मैंने ले ही लिया है और इसकी मैं बात हो गई मेरी रिटर्न करने की, तो ये हो जाएगी। और ये चलती हूँ चैन मेरे हस्बैंड को देने के लिए, देखती हूँ क्या कहते हैं, वाकई में अच्छी लगी है उनको नहीं लगी, मुझे तो अच्छी लगी है, देखती हूँ। आइए मेरे साथ। तो ये देखिए यहाँ पर शूज पहन रहे हैं सुनिए जी, आपके लिए गिफ्ट है, डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है। हे भगवान, मेरी सारी तो पेमेंट चली गई, यूट्यूब पेमेंट आपको नकली लग रही है, हाँ? बिल दूंगी आपको इसके साथ। तो बिल पता लगेगा, बिल से ही ओरिजिनल। अबे ओरिजिनल बिल देंगे आपको, जितनी हैवी है ना तो ये ओरिजिनल मुश्किल लगना चाहिए भाई, हम आपको बिल देंगे इसके साथ, ठीक है? तो ये देखिए आपको नकली लग रही है तो ये लो अपना बिल, ये आपका है और ये दो मेरे बिल है, ये रिंग का ये रिटर्न चला जाएगा, ठीक है? तो ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, मतलब हस्बैंड को अभी सबूत देना पड़ता है। ओरिजिनल है, चलो यकीन तो हो गया आपको, अब हमें आशीर्वाद ले ले हैं। कैसा लगा? बढ़िया है। अच्छा।
ये लो अपना डिब्बा, ये भी रख लेना इसी में, जब पहनी है तो पहन लेना। अच्छा आप बताइए नेक्स्ट मंथ क्या चाहिए आपको? ग्रैंड आई टेन का रिप्लेसमेंट थार कार के साथ। थार कार के साथ? हाँ। तो उसके लिए एक साल वेट करो, क्योंकि मेरा भी कुछ और प्लान है उसके बाद आप, ठीक है? प्रॉमिस। हाँ। आप क्या दोगे? तो गाइस देखा आपने, मेरे हस्बैंड को यकीन नहीं हुआ था कि मतलब सच में मैंने गोल्ड की चेन उनको गिफ्ट की है। उन्होंने बिल देखा, उसके बाद उन्होंने यकीन किया कि हाँ अब तो लग रहा है कि ये गोल्ड की है। तो अब मैंने उनसे मतलब प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट ईयर मैं उनको कार गिफ्ट करूँगी। तो अब देखते हैं, और एक साल तो वैसे मैं नेक्स्ट मंथ का बोला था उनको, मतलब क्या चाहिए, मैंने सोचा वो मेरे बजट में मांग लेंगे, तो उन्होंने नहीं मांगा। उनको मतलब गाड़ियों का बहुत शौक है उनको, शुरू से याद से नहीं मतलब हटके, और मुझे भी सच बताऊँ बहुत अच्छा लग रहा है, और मतलब उनको भी अच्छा लगा होगा कि मतलब मेरी मिसिज ने दिया है मुझको। तो अब मैं उनको गाड़ी जरूर, पक्का मेरा प्रॉमिस है कि मैं उनको गाड़ी जरूर गिफ्ट दूँगी नेक्स्ट ईयर। और एक साल का मैंने उनसे टाइम मांगा है, मेरा कुछ मेरा मेरे बच्चों की कुछ प्लानिंग है हम तीनों की, तो मतलब वो अगर हम अपनी प्लानिंग पूरी कर लेंगे एक साल के अंदर, उसके बाद नेक्स्ट ईयर हम उनको गिफ्ट देंगे। और मेरे बेटे को भी पसंद है, गाड़ियों का शौक है, तो हम लोग तो कहीं जाते नहीं, हम लोग तीनों लोग रहते हैं, तो मुझे ड्राइविंग आती नहीं है, स्कूटी वगैरह चला लेती हूँ, और मुझे फोर व्हीलर नहीं आती है, और कानपुर का ट्रैफिक भी इतना रहता है कि मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगी, जहाँ तक मैं मुझे पता है कि मैंने हैंडल नहीं कर पाऊँगी, बहुत ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। तो बच्चे भी वैन से जाते हैं, बोलते तो हैं हस्बैंड के तुम ले लो अपना और बच्चों को छोड़ दिया करो, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता मैं उनको छोड़ने जाऊँ और फिर लेने जाऊँ, मैं घर का कर लूँ, वीडियो का कर लूँ, और किसी ने ब्लॉग डाल दी उस दिन तो पूरा दिन एडिटिंग वगैरह कर लूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने वैन लगा रखी है, मैं अपने लिए तो नहीं लूँगी और हस्बैंड का जरूर सपना पूरा करूँगी, ये मैंने प्रॉमिस किया उनसे। और मैं जब एक साल के अंदर हमारी जो प्लानिंग है हमारा पूरा हो जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर उनको कार की। सॉरी जाने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, आप लोगों ने अपने हस्बैंड को क्या क्या एनिवर्सरी पर गिफ्ट दिया, उनके बर्थडे पर गिफ्ट दिया है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। और क्या आपके हस्बैंड ने क्या सच में आपसे बिल मांगा था कि मतलब ओरिजिनल है या नकली है, तो जैसा मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ किया है, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान।